नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज में। मैं हूं अवनीश कुमार। आरजेडी विधायकों ने विधानसभा के बाहर बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जमकर हंगामा किया। विधायकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, हमारी पार्टी दीदी के साथ है। के हित में, किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। ये जनता को केवल परेशान कर रही है। जिस तरह से गजनी आया था और देश को लूटा था, उसी तरह ये बीजेपी वाले आए हैं, देश को लूट रहे हैं, एनडीए वाले लूट रहे हैं। लेकिन ये सरकार जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और देश को गुलाम कर लिया था। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक अजय शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि आगामी बंगाल चुनाव में बीजेपी की सरकार बंगाल में ना बने। यही नहीं, उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया मगर अब तक उसे मुकम्मल नहीं किया। माना कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सत्ता में नहीं आ रहे, क्योंकि वो देश की जनता के विरोध है। हमेशा 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने की बात की, कोई रोजगार नहीं है। काला धन से लाके 15-15 लाख नहीं दिया, वो झूठ बोलती है। इसलिए हम लोग का एक ही मकसद है, हम लोग वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देंगे, चाहे जो भी करें। हम लोग जो भी करेंगे, पूरे महागठबंधन जो हम बिहार में अब देख रहे हैं, वो मिलजुल के ही बिल्कुल फिर गड़बड़ियां होगी जो आप। सदन के बाहर भाकपा माले के विधायकों ने बढ़ती महंगाई, नए कृषि बिल सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ बैनर लेकर नारेबाजी की। इस दौरान विधायक महबूब आलम ने सरकार से बटाईदार किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ देने की मांग की। यही नहीं, उन्होंने सरकार से नए कृषि बिल को वापस लेने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये कानून किसानों के हक में नहीं है। कार्यस्थल प्रस्ताव लाया है जो किसान विरोधी तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार ने पारित की है। आप आश्वस्त कीजिए, बिहार विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके आप बिहार की जनता को आश्वस्त कीजिए कि बिहार में ये तीनों कृषि कानून लागू नहीं होगा। साथ साथ केंद्र को प्रस्ताव भेजिए कि इस कानून को वापस ले। साथ साथ जो भूमिहीन बटाईदारों को फसलों की क्षति का मुआवजा नहीं मिलता है और किसान सम्मान निधि नहीं मिलता है, उनको भी दिया जाए। MSP को कानून दर्जा दिया। सदन की कार्यवाही के दौरान हम पार्टी के अध्यक्ष जीताराम मांझी ने वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार को वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपए करना चाहिए ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। यही नहीं, मांझी ने 12 नए विधान परिषदों में हम को जगह नहीं देने पर भी नाराजगी जताई। विकलांग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे विधवा बेटियां हैं, वो सबका भी समाज और बिहार के विकास में योगदान है और वो आज पैसा के अभाव में दूसरों पर आधारित हो जाते हैं, जो नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में उनको भी अगर हम कोई रिटायर्ड हो जाते हैं क्लास 4 भी, उनको पेंशन मिलता है। अब इस प्रकार के लोग को अगर पेंशन न दिया जाए तो वह अनैतिक कार्य है। इसीलिए हमने कहा कि ठीक है, हमारी माली स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हम 3000 नहीं दे सकते हैं, 2500 नहीं दे सकते हैं, इसलिए कम से कम 1500 यानी 1500 रुपया मासिक। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के दौरान पटना के एक निजी स्कूल की छात्राओं को विधान परिषद में कार्रवाई देखने के लिए आमंत्रित किया गया। गौरतलब हो कि जब भी विधानमंडल का सत्र चलता है तो उस दौरान बिहार के विभिन्न स्कूल के बच्चों को सदन की कार्रवाई देखने के लिए बुलाया जाता है। कोरोना काल में गुरुवार को पहली बार COVID-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए स्कूली छात्राएं बिहार विधान परिषद में सदन की कार्रवाई देखने पहुंची। कई स्कूल के बच्चों को हम लोग बुलाते हैं यहाँ पर, हम लोग को शिफ्ट वाइज दिखलाते हैं, जितनी जितनी हमारी आवश्यकता है, जितनी बचने का जगह है उसी के अनुसार हम लोग करते हैं। और इन बच्चों को यहाँ पर हम लोग भोजन भी कराते हैं। भोजन की उसी परंपरा के अंतर्गत आज भी सब स्कूल की सब बच्चियाँ आई हुई देखने के लिए और क्या उससे सीखी उन लोगों से पूछी। आज तो बड़ा शांति से चला सर। बिहार विधान परिषद पहुंचे JDU MLC उपेंद्र कुशवाहा ने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार तरक्की कर रहा है।
इस दौरान उन्होंने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सूबे के मुखिया ने शिक्षित बिहार का जो सपना देखा है उसे धरातल पर भी पूरा किया जा रहा है। अगला दिन है, इसके पहले बाकी देश के जो तीन अन्य सदन है वहाँ का अनुभव उसको मिल चुका है। विधान परिषद के सदस्य के रूप में आज कार्यवाही में भाग लेने का मौका मिला, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि चारों सदन में काम करने का मौका मिला है। सदन में हमने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से शराबबंदी कानून के उल्लंघन मामले में विपक्ष के निशाने पर आए मंत्री रामसूरत राय के भाई हंसलाल राय की गिरफ्तारी की कवायद तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने मंत्री के भाई समेत 10 आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार नीतीश सरकार की फजीहत हो रही थी। तेजस्वी यादव लगातार इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे थे, वहीं मंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर पूरा विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, ऐसे में अपराधी भी अब दिन दहाड़े घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। दरअसल चुनाव में वर्षाओं को लेकर अक्सर दो गुटों में हिंसक झड़प होती रहती है। इसी का एक नमूना बिहार के सहरसा जिले के कचहरी ओपी थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहाँ मुखिया के भतीजे ने ही मुखिया के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उनसे 2 लाख की रंगदारी की मांग करते हुए इस बार चुनाव नहीं लड़ने की धमकी दी। पीड़िता मुखिया ने बताया कि रंगदारी नहीं देने पर उनके पुत्र के साथ भी मारपीट की गई। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। टका मांगल के हमारा से 2 लाख रुपया, हम कहाँ देती टका। साजिश के तकर बाद हम अलिए बाहर में गाँव में घूमे लिए, गाँव से अलिए तो एकाएक हमारा पर हमला कर दिए सब मिल। कौन सब के बोलो? पंकज ठाकुर, अंकज ठाकुर, किशन ठाकुर और पूरे परिवार। रंगदारी विवाद को जहानाबाद के घोसी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल स्टेट हाईवे 71 के नज़दीक पुलिस ने एक केन बम बरामद किया है। इस संबंध में काको थाना अध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना के मिलने पर पुलिस ने इलाकों की नाकेबंदी कर केन को बम को डिफ्यूज किया। आपको बता दें कि इससे पहले भी NSC 110 के धामपुर के पुलिया के नीचे भी बम बरामद किया गया था। गया जिले के सोनडीहा गांव में मां और नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मामले में कुल 15 लोग अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से 4 को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। वहीं 2 अपराधियों के नाबालिग होने के कारण मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। घटना 13 जून 2018 की है, जब एक ग्रामीण डॉक्टर अपनी पत्नी और बच्ची के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने डॉक्टर को बंधक बनाकर पत्नी और नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। नौ को जो दोषी पाए गए हैं सभी को उम्र कैद की सजा, अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा। यह कौन कौन लोग हैं? श्रवण पासवान उर्फ कारू पासवान, नवजेश पासवान, प्रकाश पासवान, उमेश पासवान, निर्भय पासवान, रामू पासवान, भोजा पासवान, उपेंद्र पासवान, रमेश पासवान। इस पर धाराएं शराबबंदी को लेकर बिहार पुलिस सख्त है। होली के पहले शराब कारोबारियों के मंसूबों पर पुलिस लगातार पानी फेर रही है। इसी क्रम में बाढ़ पुलिस ने छापेमारी कर सदर बाजार के चुनाखारी मोहल्ले से 22 लीटर अंग्रेज शराब के खिलाफ 2 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। वहीं अलग अलग इलाकों में पुलिस ने कई शराब भट्टियों को ध्वस्त भी किया। दानापुर में भी पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर सीपाड़ा के IOC गेट नंबर 1 के पास छापेमारी के दौरान 215 लीटर शराब जब्त किया है। संध्या गश्ती में हम निकले हुए थे, गुप्त सूचना मिली IOC 1 नंबर गेट के सामने एक मकान है, वो मकान में इंग्लिश दारू उसके बगल में रखा हुआ, जिसके आधार पर हम लोग छापामारी किए
तो भारी मात्रा में।